ये कैट क्या है एक नाउन है और आप उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो दिस कैट इज ब्राउन इन कलर ब्राउन इन कलर ओके दिस कैट हैज लॉन्ग टेल एंड यू कैन से दिस कैट इज वेरी सॉफ्ट अब आप कैट्स जो होती हैं बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफी होती है, है ना तो जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो इस कैट को डिस्क्राइब करने के लिए उन वर्ड्स को हम बोलेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जैसे कि ब्राउन एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है सॉफ्ट एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, है ना आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो हमारे क्या हो जाएंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो जाएंगे है ना अब आप देखो यहाँ पर एक बॉय है

शीज रेड कलर है क्या कर रही है कोशिश करो इस पिक्चर को इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने की जब हम कोशिश करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स अलग अलग वर्ड्स के साथ तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ठीक है ना लेट्स फोकस ऑन the definition of describing words. Some words describe the naming words. Naming words क्या होते हैं हमारे nouns. Nouns मतलब name of person, place, thing, animal. So जितने भी words होते हैं जो आपके naming words को describe करते हैं ना उनको हम बोलते हैं describing words. ठीक है अब जैसे कि These words are called describing words. तो आप अपनी notebook में इसको लिख सकते हो कि describing words क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं सम वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द नेमिंग वर्ड्स उसको हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ठीक है अच्छा अब हम इन फोटोज को देखते हैं ध्यान से ये सन है ना जब गर्मियां होती हैं तो हमारी क्या सिचुएशन होती है वी वी फील लाइक ओ माय गॉड दिस इज सो हॉट एंड वी फील लाइक स्वेटी स्वेटी एंड वी फील लाइक यू नो डिहाइड्रेटेड हमें पानी हमें बार बार प्यास लगती है है ना तो जो हम बोलते हैं सन क्या है सन इज वेरी हॉट सन बहुत ही गर्म है बहुत हॉट है है ना तो सन को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब करता है हॉट अच्छा लेट्स प्ले अ गेम मैं आपको एक वर्ड बोलती हूँ और आप उस वर्ड से रिलेटेड नाउंस चीजों को याद करो ठीक है कोल्ड जब मैंने बोला वर्ड कोल्ड ठंडा तो सबसे पहले चीज आपके दिमाग में आई आए होगी आइस है ना या आपके दिमाग में आए होगा वॉटर ठंडा पानी आइस ऐसी कोई चीजें कोल्ड ड्रिंक है ना तो जितनी भी ठंडी चीजें होंगी आपके माइंड में आई आए होगी आइसक्रीम आ सकती है है ना स्वीट अब मैं बोलूं कोई चीज स्वीट मीठी सो तो आपके दिमाग में सबसे पहले चीज आई होगी शुगर चॉकलेट ठीक है तो अब आप देखो कैसे ये वर्ड्स होते हैं ना ये चीजों को डिस्क्राइब करते हैं तो इन्ही वर्ड्स को जैसे स्वीट कोल्ड हॉट लॉन्ग शॉर्ट इन वर्ड्स को हम बोलते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आई होप कि आपको 50 परसेंट डाउनलोड हो गया होगा दिमाग में कि क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स राइट ओके हॉट सन गरम सन हॉट सन फ्लावर कौन से कलर का है ये रोज कौन से कलर का है रेड कलर का तो हम यहां बोलेंगे रेड रोज रेड मेरा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा एलिफेंट आपको पता है एलिफेंट कितना जॉय होता है कितना बिग होता है राइट right? सो so, हम बोलेंगे पेग एलिफेंट ओके okay? सो so, हम यहाँ पर बोलेंगे पेग एलिफेंट सो so, ये जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं ना ये हमेशा नाउन से पहले लगते हैं तो so, आप इस तरीके से मैं आपको एक हैक बता रही हूँ ठीक है किसी को ये सीक्रेट मत बताना और राइट right? ये जो हैक है आप कैसे याद कर सकते हो जो भी वर्ड्स होते हैं जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे ना ये हमेशा नाउन से पहले लगेंगे ठीक right. है लिटिल गर्ल छोटी सी गर्ल वाइज लेडी इंटेलिजेंट वाइज समझदार कोल्ड आइसक्रीम आइसक्रीम क्या होती है कोल्ड होती है है ना तो ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए अब आप, आप देखो स्वीट चॉकलेट चॉकलेट क्या है स्वीट स्वीट मेरा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया ब्रेव 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 लायन लायन सो क्या हो जाएगा ब्रेव क्या हो जाएगा मेरा डिस्क्राइबिंग वर्ड ब्लू बलून आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से कलर का बलून है मोस्टली कलर इसमें ब्लू है सो so, ये ब्लू कलर का बलून हो गया तो so, क्या हो जाएगा ये ब्लू बलून ओके नाउ अब हम यहाँ पर कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को डिस्कस करते हैं ठीक है नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस दूस बर्ड्स हैव कलरफुल फेदर्स किस तरीके के फेदर्स हैं कलरफुल बहुत ही ब्यूटिफुल रेड ब्लू ओके सो ब्यूटिफुल कलरफुल फ्लावर्स और फेदर्स राइट स्वाति हैज ब्यूटिफुल हेयर स्वाति के बहुत ही ब्यूटिफुल हेयर हैं सो हेयर क्या है ब्यूटिफुल सुंदर तो सुंदर ब्यूटिफुल क्या हो जाएगा मेरा डिस्क्राइबिंग वर्ड इट इज अ फेथफुल डॉग फेथफुल मतलब फेथ मतलब विश्वास जिस पर आप बिलीव कर सकते हो है ना डॉग्स होते हैं ना आपके लिए लॉयल होते हैं आपके साथ आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो बड़े प्यारे और आपके ही पीछे 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 घूमते हैं राइट तो लॉयल हो गए फेथफुल है ना इट इज अ फेथफुल डॉग तो फेथफुल क्या है एक क्वालिटी है जो बेसिकली डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं ना माय माय माई लवली स्टूडेंट्स जितने भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं ये सारे बेसिकली किसको दिखाते हैं क्वालिटी क्वालिटी क्या है आपके अंदर की क्वालिटी क्या है है ना शी इज अ गुड स्टूडेंट यू आर अ गुड स्टूडेंट आप कौन से स्टूडेंट हो एक अच्छे स्टूडेंट हो तो गुड मेरी क्वालिटी है तो इस क्वालिटी को भी हम डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं है ना ये पेन इस पेन की क्या क्वालिटी है इसका कलर क्या है ब्लैक तो मैं बोलूंगी दिस इज अ ब्लैक पेन इसकी क्वालिटी क्या है ये कलर किस तरीके का है ये ब्लैक पेन है तो ब्लैक भी मेरी क्वालिटी हो गई तो क्वालिटी मींस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ठीक है नाउ मदर बेक्ड अ ब्राउन केक मदर बेक्ड अ ब्राउन केक तो ब्राउन कलर हो गया क्वालिटी ठीक है सो so क्वालिटी क्या है इस क, इस केक की ये कौन सा है ये ब्राउन कलर का केक है ये क्या होगा स्वीट होगा केक तो स्वीट होते हैं कभी आपने कोई खट्टा सा कोई केक खाया है नो दैट दैट लाइक दैट इज वेरी बैड राइट सो स्वीट स्वीट क्या हो गया एक क्वालिटी हो गई है ना तो क्वालिटी मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ठीक है इट इज सनी डे टू डे सनी मतलब हॉट जहां पर सन जो है उसने अपनी पूरी रेस फैला रखी है आपको गर्मी लग रही है आपको पानी पीना है सनी सनी भी क्या हो गया एक क्वालिटी है मतलब गर्म गर्म दिन ठीक है नाउ अब यहां पर हम करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज आपको करनी है मैचिंग ओके मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन अ कॉलम ए विद द नेमिंग वर्ड्स इन कॉलम बी अब आपको क्या करना है ये आपका कॉलम ए है और कॉलम एम कॉलम ए में आपके सारे के सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं और ये क्या है आपको कॉलम बी और इस कॉलम बी में आपके सारे के सारे नेमिंग वर्ड्स मतलब की नाउन्स हैं अब आपको दोनों को क्वालिटीज मिलानी है ठीक है कि कौन से नाउन की क्या क्वालिटीज होंगी ओके नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अब आप देखो क्या आपने कोई ग्रास ब्लू कलर की देखी है आप ऐसे ही मेजर करना आप पहले इसको देखना और इन सबको कंपेयर करना ठीक है आइसक्रीम no. यूजुअली नहीं होती है ना यूजुअली आप देखते हो वाइट कलर की पिंक कलर की चॉकलेट है ना बट ब्लू कलर की आइसक्रीम ब्लूबेरी हो सकती है बट इट्स नॉट सो कॉमन राइट ओके स्काई वाओ स्काई ब्लू होता है तो यहाँ पे कर देंगे ब्लू स्काई ठीक है ग्रीन ग्रास कैसी होती है ग्रीन होती है करेक्ट कोल्ड आइसक्रीम हो सकती है कोल्ड है ना कभी गर्म आइसक्रीम तुमने खाई नहीं है कभी आपने कोई गर्म आइसक्रीम खाई है क्या नो सो कोल्ड आइसक्रीम ठंडी आइसक्रीम राइट स्वीट स्वीट क्या हो सकता है टी ट्रेन नाइफ मैंगो 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 स्वीट हो सकता है तो हम मैंगो के पास इसको ले जाएंगे है ना शार्प शार्प मतलब जो इजीली किस चीज को काट सकता है तो क्या टी किसी को काट सकती है नो टेन नो नाइफ यस सो नाइफ क्या है शार्प वो फटाफट आपकी सारी वेजिटेबल्स को कट कर देता है राइट right? हॉट गरम चाय यहाँ पर हो जाएगा मेरा हॉट टी है ना आप कभी ठंडी चाय तो पीते नहीं हो हमेशा चाय यूजुअली गर्म ही होती है अब क्या बचा फास्ट फास्ट ट्रेन ट्रेन कभी आपने किसी को साइकिल की स्पीड से चलते हुए देखा है नहीं ट्रेन तो इसीलिए फेमस होते हैं ना क्योंकि आपको वो जल्दी जल्दी पहुंचा देती है तो ट्रेन क्या होती है फास्ट होती है है ना अब हम इसको फटाफट से रिकॉल करेंगे ब्लू स्काई ग्रीन ग्रास कोल्ड आइसक्रीम स्वीट मैंगो शार्प नाइफ हॉट टी फैस है ना इजी है ना ओके okay. आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होते हैं इट्स बेसिकली रिलेटेड टू द क्वालिटीज दीज कैंड आर वेरी एंग्री

So it could be, या तो वो सैड हो सकती है या वो रिच हो सकती है दोनों में से कुछ भी हो सकता है ठीक है नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस ऑस्ट्रेलिया इज अब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या होगा आई बॉट डैश शर्ट शर्ट क्या हो सकती है टेस्टी Can you शर्ट नो वी कैन नॉट आपको फटाफट फड़ से इनका आंसर करना है ठीक है अब आपको यहां पर describing words को circle करना है, ना? तो हमें पता है कि ब्लू एक क्वालिटी है तो ब्लू मेरा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा सिमिलरली आपको इन सारी रोज में से चूज करना है कि कौन सा वर्ड है जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है ठीक है अब आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी खुद सॉल्व करनी है यहाँ पर क्या कह रहे हैं ब्लू, राइट। right? so, आपको सिर्फ नंबर ऑफ लेटर्स से काउंट करना है बी एल यू ब्लू तो किसमें चार हैं अब आप देखो वन टू थ्री फोर बट बीच में तो ओ आ गया ब्लू में तो ओ होता ही नहीं है यहाँ पर है वाओ बी एल यू ब्लू ठीक है तो इस तरीके से हमारा ब्लू आ गया पर अब आपको आपको सेम कलर्स यूज़ कर कर इसको फिल करना है ठीक है ठीक नाउ लेट्स डू सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टेस्टी पीस ऑफ कैंडी कौन सा ऐसा वर्ड है जो टेस्टी पीस ऑफ कैंडी को दिखाता है सो so, यहाँ पर आप देखोगे यमी ग्रॉस स्पाइसी और सार डू यू थिंक अबाउट कैंडी कैंडी इज यमी सो वेन एवर यू थिंक अबाउट कैंडी द वर्ड कम्स टू योर हेड इज यमी नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन वट वर्ड डिस्क्राइब्स अ सॉफ्ट एंड कडली स्टफ्ड एनिमल जब भी आप किसी सॉफ्ट या फिर कडली एनिमल के बारे में सोचते हो तब आपके माइंड में कौन सा थॉट आता है दैट इज रफ स्मूथ कोजी और हार्ड यस ऑफकोर्स इट्स कोजी या फिर स्मूथ आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हो स्मूथ भी होता है और कोजी कोजी मीन्स कंफर्टेबल एंड स्मूथ मीन्स जिसका सर्फेस जो है वो काफी ज्यादा इजी टू टच होता है सो द राइट आंसर वुड बी अगर आप ज्यादा उसकी तरफ जाओगे तो स्मूद इज द राइट आंसर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन Which word describes something that is very cold and frosty? Frosty मतलब जब कोई चीज जम जाती है या कोई चीज बहुत ज्यादा ठंडी होती है right? So hot तो बिल्कुल भी नहीं होगा Warm means गरम, वो भी नहीं हो सकता Freezing और cool यहां पर भी आप देखोगे आप दोनों में से confuse हो सकते हो लेकिन जो right answer होगा वो होगा फ्रीजिंग वाई बिकॉज फ्रीजिंग मतलब भी जमना होता है सो फ्रीजिंग एंड फ्रोस्टी। यहाँ पर ये जो दोनों वर्ड्स हैं, इनका मतलब सेम ही है। वर्ड डिस्क्राइब्स अ पर्सन हु इज वेरी काइंड एंड ऑलवेज अदर्स। आप उस पर्सन के बारे में क्या सोचोगे जो पर्सन बहुत ज्यादा काइंड है और हमेशा दूसरों की मदद करता है यहाँ पर आप देखोगे मीन मीन मतलब मतलबी राइट right? जिसको सिर्फ अपना मतलब होता है फ्रेंडली सेल्फिश और रूड अब आप बताओ इसमें से सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा दैट इज फ्रेंडली जो हमेशा दूसरों की मदद करता है वो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेंडली नाउ मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन Which word describes something that is very hot and causes steam? Steam मतलब भाप बनना right? जब भी आप noodles बनाते हो या जब भी आप जो है water boil करते हो you can see the steam भाप निकलती है उसमें से So इसमें से right answer क्या होगा Cold? नहीं बिल्कुल भी possible नहीं है Cold मतलब ठंडा Warm मतलब कोई चीज बिल्कुल normal गर्म होती है जब Freezing मतलब जब कोई चीज जम जाती है और बॉइलिंग बॉइलिंग यस जिसमें से आपकी जो स्टीम है वो बनती है सो द राइट आंसर वुड बी बॉइलिंग थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई रियली होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग सो नाउ आई विल बी सींग यू इन माई अदर वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय